नमस्ते, राज रतन रसोई में स्वागत है आपका। आज मैं बनाने जा रही हूँ पुदीने और हरे धनिए की चटनी। दो तरीके से बताऊंगी, एक प्लेन वाली और एक दही वाली, दोनों इसी तरह बताती हूँ। और ये मेरा जार है, इसमें मैं तीन चार हरी मिर्च डाल रही हूँ। ये तीन चार हरी मिर्च है और इसमें ये थोड़ा सा लहसुन है, और अदरक का आप टुकड़ा डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहें तो नहीं डालें। मैं इसमें छोटा सा टुकड़ा चॉप करके ऐसे डाल रही हूँ। एक चम्मच है नमक, ठीक है, और उसमें हरी मिर्च मैंने डाल दी है, ये सब मैंने इसमें डाल दिया है। फिर जाएगा इसमें पुदीना, ये थोड़ा सा पुदीना है, एक एक गुट्ठी बोलते हैं जिसको, थोड़ा सा पुदीना है। और ये हरा धनिया है, मैंने अभी साफ करके रखा है, सारा डंठल वंठल इसी के अंदर है, क्योंकि डंठल मत निकालना, इसी का स्वाद होता है। इसे छोटा छोटा काट के ऐसे कैंची से, और इसमें हम काट लेंगे इसको, और काट के इसको मिक्सी में चला लेंगे, और फिर उसके बाद डालेंगे हम इसमें, अभी काट के मैं आपको दिखाऊंगी। और इसी में हम एक कटोरी दही डालेंगे, लेकिन अभी नहीं डाल रहे, ठीक है, अभी नहीं डाल रहे, पर ये बाद में डालेंगे, इसलिए मैं बाद में दिखाती हूँ आपको। अभी मैं आपको जार में पीस के दिखाती हूँ। अब मैं जो मसाला बताया था उसी का मैं पीसने जा रही हूँ, और थोड़ा सा पानी डालना है, क्योंकि सूखा पीसेगा नहीं, इसलिए मैं पानी डाल के आपको पीस के दिखाती हूँ। चटनी पीस गई है, ये देखिए, ये पानी डाल के पीसी जाती है। कोई दही पसंद नहीं करता है, इसलिए पानी डाल के पीस लेना चाहिए, तो सूखा तो पीसेगा नहीं। मैं आपको अब थोड़ी सी हम दही वाली बनाएंगे, जैसे कि इसमें मिर्च, अदरक, लहसुन और नमक सब चीज डाल के, पुदीना और ये हरा धनिया डाल रही हूँ मैं इसमें, और उसके बाद हम डालेंगे इसमें एक कटोरी दही, ठीक है। मैं दही लाती हूँ और दिखाती हूँ, पानी की जगह मैं दही डाल रही हूँ अब इसमें, ये देखिए, ये मैंने दही एक कटोरी डाल दी है, ठीक है। अब मैं दही डाल के पीस रही हूँ, सेम चीज है, पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्च और अदरक थोड़ा सा, और नमक स्वाद अनुसार, और फिर पुदीना, ये सब चीज मिला के, दही मिला के मैं पीस रही हूँ। ये दही वाली भी बन गई है, ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका, आप इस तरह ही बनाइए। ये कलर डार्क कलर आ रहा है, इससे भी अच्छा कलर आता है, वे क्या करते हैं हमारे पड़ोस। ये हो गया है, अब इसमें मैंने सीखा था हलवाई स्टाइल से, क्योंकि मैंने सीखा था कि इसमें, इस वाली चटनी में वो पालक के पत्ते भी मिलाते हैं, क्योंकि पत्ते कई बार पुदीना और ये हरा धनिया गर्मियों में मिलता नहीं है, तो कम उसको पालक को मिला देते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं, थोड़ा सा 10-5 पत्ते, ताकि चटनी में कलर अच्छा है, क्रिस्पी वो बने, बहुत मलाई जैसी बने, इसलिए मैंने अब दोनों चटनी बना दी है। इसमें मैंने पत्ते नहीं डालने हैं पालक के, अपने घर में यूज करना है। तो आप ये देखिए, ये है बिना दही वाली और ये है दही वाली, ये दही वाली बनाई है, और ये मैंने मीठी चटनी बनाई है, जो ये 6 महीने तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं मीठी वाली को, ठीक है। ये तीनों चटनी, आज चटनी डे है, आज चटनी डे है, इसलिए मैं आपको आज चटनी बनाऊंगी, दिखाऊंगी, और अच्छा लग रहा है मुझे चटनी बनाना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय, बाय बाय, गुड लक।